व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज ये हमको लग रहा है मेरा पहला व्लॉग होगा। और अभी किचन में आज बनाने वाले हैं आलू गोभी मटर प्याज गोभी आलू मटर रोटी बनेगी। और अभी रंजना सत्तू वाला रोटी बनाने की तैयारी में लगी हुई है। तो ये दही हमारी जो बनानी होगी और अभी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बाबू बोले हैं कि सत्तू वाला रोटी हम खाएंगे। बेला हुआ हमारे घर में पसंद होता है, तो मंगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो नहीं दिख रहा है, अभी पूरा ढूंढ रही लेकिन दिख नहीं रहा है। पीछे गाना भी बज रहा है। यहाँ पे काटी है सब्जी और यहाँ पे मटर छीन ली है। तभी इसको चलते हैं, जल्दी से बनाते हैं। इसमें तेल डाल के परेशान हो गई है, नींद भी आ रहा है। सोई थी तो भी नींद आ रहा है, हमको नींद ट्रांसफ़र कर दी है गाइस। हमको भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। तो अभी हम पहले मिर्चा वो कर लेते हैं, ले लेते हैं मिर्चा। उसमें डालना होता है सब्जी में, या सब्जी बैठ ही काटे। मेरा यहाँ पे हाथ भी कट गया है, तो मिर्चा से और भी लाल हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। चलते हैं जल्दी से बनाते हैं सब्जी। और अभी इसमें सबसे पहले तेल डाल देते हैं गाइस। अभी इसमें हमने डाल दिया है जीरा। रहना जीरा डालती हो सबसे पहले खाने में? और जीरा से और अच्छा लगता है खाना। मेथी बहुत कम डालते हैं, मेथी खाना चाहिए। मेथी कोई कोई सब्जी में ही तो डालता है, जैसे आलू का भुजिया। पर आलू के भुजिया में भैया नहीं खाते हैं मेथी, इसलिए नहीं डालते हैं। पर दो डाल सकते हैं, दो तीन डाल सकते हैं, पर हम वो भी नहीं डालते हैं, क्यों थोड़ा सा ना तीखा लगता है, ऐसे दांत के पास जाता है, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि दिक्कत हो। बस अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो रंजना को भी और हमको भी, तो हम दोनों भी पीते हैं चाय। और कढ़ाई लगा के जल्दी से इसमें डाल देते हैं मिर्चा। मिर्चा से मिर्चा एकदम हरा हरा मम्मी लेके आएंगे मार्केट से। तो गाइस यहाँ पे भी ये ले सकते हैं प्याज मिर्चा जीरा, इसमें सब कुछ डला गया है। अब ये आलू डलाएगा, उसके बाद गोभी को पहले बॉयल करके तब डालेंगे। ये तरफ से चाय बन रहा है, जैसे ही बॉयल हो जाएगा उसके बाद से बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे लगाया आलू और यहाँ पे अभी रंजना जल्दी से अभी मंगाई हुई है बेसन, सॉरी सत्तू। तो अभी सत्तू भरा हुआ रोटी बनेगा थोड़ा ही सा। बाकी यहाँ पे मटर है थोड़ा सा, और यहाँ पर हमने डाल दिया है पानी, मैंने आगे इसमें डाल दिया। और जैसे ही चाय बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे गोभी काट दिए, तो इसको बॉयल कर देंगे। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग देखते रहिए, खूब इंजॉय करते रहिए। पुदीना ले कहीं नहीं, तो ये प्याज अच्छा नहीं है, आ जाएगा अभी प्याज आ जाएगा। और इसका भी चटनी बनने वाला है, मजा आएगा। बने रहिए आप लोग। हे गाइस, तो यहाँ पे भी चाय भी बन गया है और यहाँ अभी गोभी बॉयल करने के लिए, क्योंकि हम कभी भी बनाते हैं तो गोभी को थोड़ा बॉयल करके बनाते हैं, ताकि इसका जो भी गंदगी होता है निकल जाता है। कितना हंसी आ रहा है। जल्दी से यहाँ पे भी काट रही, ध्यान देना इधर। बाकी जेरी भी आ गया घूम के बाहर से। यहाँ पे भी आलू हो रहा है फ्राई। टिकड़ी 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 खाना है। तो भी यहाँ पे गोभी हमने इसमें डाल दिया है, गोभी भी फ्राई हो गया है। थोड़ी देर में इसमें डालेंगे हल्दी नमक, लेकिन अभी फ्राई हो जाता है ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये थोड़ा सा इसको अभी बॉयल कर देते हैं, और एक सस्ते बनाने के बाद ये मटर है तभी इसको बॉयल कर देते हैं। बाकी भी धनिया का चटनी बनाने के लिए टाइम जल्दी से गाइस। एक चीज़ बताएं, जब भी आप मटर को बॉयल करो ना तो एकदम ग्रीन हो जाता है, देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रीन हो गया। ग्रीन दिख रहा है बहुत ज़्यादा, इससे नहीं ज़्यादा सब्जी और देखने में सुंदर लगता है। अभी तो इसमें हल्दी नमक डालें और ये मटर डाल दें, जब इसमें टमाटर धनिया पत्ता पड़ेगा तो सबसे टेस्ट कितना अच्छा होता है। इसीलिए मटर को बॉयल करके ही बनाते हैं। वैसे मिस्टर राज को कचकच करता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए
से बनाते हैं हम। बाकी अब देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ऐसे। इसमें थोड़ी देर के बाद डालेंगे टमाटर और भी कुछ रहेगा बने रहेगा। ऐसे हम ये सारी चीज़ों का नहीं बनाते हैं, पर ये हमारा नया चैनल है इसलिए इसको बनाते हैं पनीर। तो अब यहाँ पे बनाते हैं ऐसे। दिन में हम लोग नहीं बना पाए लेकिन रात में आलू गोभी का सब्ज़ी बन रहा है तो चटनी रहेगा और ये अच्छा लगता है। चटनी से ना खाने का जो एक रोटी खाए ना वो दो रोटी और खा लेगा। ये चटनी का टेस्ट ही होता है ऐसा। खाने में ये सब चीज़ होता है तो और मज़ा आता है खाने में। सैलड हो गया, चटनी हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अभी इसमें लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन थोड़ा सा पड़ता है तो इसका अलग टेस्ट आता है। मेरा हाथ कटा हुआ है इसलिए थोड़ा संभाल के, और चाकू भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमको आदत है चाकू से काटने का, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको ऐसे करने में। लेकिन कोई पर टाइट है और एक तरफ रंजना अपना काम कर रही है। फोर भी हम कट कर देंगे पर हमको उसमें जल्दी जल्दी कर ही लिया जाए। दिक्कत काटने में नहीं हो रहा, दिक्कत चाकू में हो रहा है। तो चाकू का तो नया चाकू लाना पड़ेगा। ये हो गया है थोड़ा सा फ्राई। अब हम इसमें काट के डाल देते हैं, देख सकते हैं इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद जब होने लगेगा तब इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ता। तो बहुत मज़ा आने वाला है खाने में। और टमाटर एकदम ठंडा है तो इसलिए और अच्छा लग रहा है इसको काटने में। ऐसा लग रहा है गर्मी का दिन आ गया है क्योंकि मेरा हाथ कटा है ना, उस पर लहसुन काटे तो छन छन आने लगा। इसलिए अभी जल्दी से इसको डाल देते हैं टमाटर को। बाकी आज मुझे रात से हो गई हमारी लड़ाई इसलिए उसको हो गए हैं। मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, लड़ाई इसको खाने की। बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हम ही लड़ते हैं। काट देते हैं। अब ये होता रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद इसमें किचन किंग सब्जी मसाला डालेंगे तो टेस्टी लगेगा। तो अब यहाँ पे पीसते हैं चटनी और देखिए आप लोग चटनी का कमाल। 1 2 3 अरे लाल हो गया। हमारे साथ यही प्रॉब्लम होते रहती है गाइस, चटनी में पड़ गया ज़्यादा पानी। ये पता है क्या बन गया? बिरयानी के साथ खाने वाला एक चीज़ बन गया। रंगना बोले खाली ये लोग पर। तो अभी इसका उपाय करने के लिए ये धनिया नहीं, बहुत मेहनत से काटी, इसमें दूसरा धनिया डालना पड़ेगा। बने रही आप लोग इस चटनी को भी अच्छा बना के दिखाते हैं छोटू। तो अभी इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा छींटा पड़ गया गाइस। भगवान भी चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से साफ सफाई करो भाई सब। सिटी 1 2 3 पता है कैसे पानी ज़्यादा है। आज की बात कभी चटनी नहीं बनाई पानी जाएगा गाइस। देख सकते हो चटनी बनाने ज़्यादा हमारा टाइम चटनी बना के साफ करने में लगेगा। क्या करें, भगवान हमको कहीं से नहीं छोड़ रहा। बोल रहे काम कर काम कर। पर अभी ऐसे साफ कर देते हैं, बाकी जो नीचे का गंदगी इसी बहाने निकला है वो हमारी आंटी जी आने वाली हैं। गाइस देख सकते हैं रुक जा साथ ही पूछ रहे हैं तो और उतार रहे हैं। अभी हाथ फिसल रहा था
अभी फाइनली बन गया सब्जी, थोड़ा देर में ही हो जाएगा, जब तक रोटी बनेगी उससे पहले ही हो जाएगा। और एकदम देखने में कैसा लग रहा है आपको जरूर बताना। अभी इधर चटनी भी बन गया है, तो इसको थोड़ा चम्मच से चला दे। हरी चटनी हमारे घर के सामने जो माना है उस बहुत डरती है हरी चटनी से। भानु दीदी से भी बात की, बहुत दिन हो गया, सॉरी भानु दीदी, सब लोगों से बात की, इतना दिन हो गया, सब लोग को लग रहा होगा हम भूल गए हैं, पर भूले नहीं, सब लोग याद है। बनी रही है, अभी चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फाइनली बन के हो गया सब्जी तैयार, और थोड़ा देर तक ये गलने देंगे, बाकी इसको बॉयल कर दिए थे, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, जो भी गलने का डर नहीं रहता है, आलू कैसे भी फ्राई हो जाता है। अब इसमें डाल लेंगे यहाँ पे है धनिया पत्ता, आज के दिन, और इसको जल्दी से बना देंगे। बस आज का डिनर हो गया कम्प्लीट, यहाँ पर भी रंगना बना रही इतना रोटी। तो इसी के साथ रहते हैं इस ब्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट खूब तरह शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, लव यू। तो गाइस यहाँ पे बना देख सकते हैं सब्जी कैसा बना, देखते हैं आपको जरूर बताना। इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छा दिखता है, तेल थोड़ा आप कम ही डालें आज, पर फिर भी ठीक ठाक है, डरने लायक तो नहीं है।